आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। यूपी समेत 6 राज्यों के 7 सीटों का उपचुनाव हो रहा है। वहीं गोला गोकर्ण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के चलते बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। गोला गोकर्णनाथ सीट के लिए प्रत्याशी घोषित। बीजेपी प्रत्याशी बने अमन गिरी। अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। सपा ने बनाया विनय तिवारी को उम्मीदवार। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बता दें, इस सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। बता दें, गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको ये भी बता दें कि इन दोनों ही सीटों पर नामांकन 7 अक्टूबर से शुरू होगा और 14 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र भर सकेंगे। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन बीते दिनों बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का हार्ट अटैक से निधन हो जाने से ये सीट खाली हो गई थी। बता दें, अरविंद गिरी बीजेपी लखीमपुर खीरी जिले के गोला सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।